बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट के 1.3 और 1.4 दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो 1.3 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल 1.3 के स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। आपसे ये कहा गया कि आपका जो बाल है एक दिन में 1 मिलीमीटर जो है वो ग्रो करता है। आप लोगों ने अपने बालों की ग्रोथ रेट जो है वो 1 सेकेंड में नैनोमीटर में निकालनी है। आपने ये बताना कि 1 सेकेंड में आपके बाल कितने नैनोमीटर जो है वो ग्रो करते हैं। तो आप लोगों को गिवन डेटा क्या, पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा आप लोगों ने हेडिंग जो है वो मार्कर से देनी है गिवन डेटा की। तो गिवन डाटा जो है वो है हमारा रेट ऑफ ग्रोथ इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे, कि एक दिन में आके बाल 1 मिलीमीटर जो है वो ग्रो करते हैं। आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आप लोगों ने ये करना है कि आपकी ये जो ग्रोथ रेट है, रेट ऑफ ग्रोथ नैनोमीटर पर सेकेंड में आपने फाइंड आउट करने के, 1 सेकेंड में आके बाल कितने नैनोमीटर जो है वो ग्रो करते हैं। तो सोल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो है वो यूनिट्स के कन्वर्जन्स करेंगे। जो ये हमें ड्राइव यूनिट्स दिए हुए मिलीमीटर और डे वगैरह, हम लोगों ने इन्हें स्टैंडर्ड यूनिट्स में, यानी कि हम लोगों ने इन्हें बेसिक यूनिट्स में लिखना है। तो 1 मिलीमीटर जो है इक्वल टू 10^-3 मीटर के इक्वल होता है। मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। इसी तरह डे को करना है सेकेंड्स में, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स मल्टीप्लाई पर 60 मिनट्स मल्टीप्लाई पर 60 सेकेंड्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये आकर बन जाता है 8640 सेकेंड। एक दिन में आपके सेकेंड्स आके हमने यूनिट्स के कन्वर्जन्स कर लिए। आप हम लोग जो है वो सिंपल जो अपनी ग्रोथ रेट जो हमें दी हुई है वो लिख के उनकी उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो रेट ऑफ ग्रोथ इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे, ये हमें गिवन है। इनकी वैल्यूज लिखते हैं, मिलीमीटर किसके इक्वल है 10^-3 मीटर के, और डे को जगह पे सेकंड्स की वैल्यू लिखते हैं कि एक दिन में कितने सेकंड्स है उसकी वैल्यू मेंशन करते हैं 6400 सेकंड्स। तो जब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, तो हमारा आंसर आता है 1.157 × 10^-8। वैल्यू काफ़ी लंबी है लेकिन मैंने बस पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज लिखी हैं। यूनिट्स एस इट इज मीटर, ऊपर सेकेंड नीचे था तो पर सेकेंड, लेकिन ये हमारा आंसर आ रहा है मीटर पर सेकंड में। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है नैनोमीटर पर सेकंड में, इसका मतलब है हमें कन्वर्जन्स करनी पड़ेगी मीटर की। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पॉइंट को जो है वो एक डिजिट मूव करवा देते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11.57 × 10^-4, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस दफ़ा लेफ़्ट साइड से मूव हुआ है इसलिए माइनस में आएगा, और एक डिजिट मूव हुआ है तो −1 × 10^-8। ये हमने पॉइंट इसलिए मूव करवाया ताकि हमारे 10^-9 में आ जाए, ताकि हम इसे नैनो में कन्वर्ट कर सकें। तो 11.57 × 10^ बेसिस सेम है, यानी कि 10 दोनों की बेस 10 है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी, −9 − 8 नैनोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपस में जब ऐड हो जाती तो ये बन जाता है 11.57 × 10^-9 मीटर पर सेकेंड। अब −9 जो है वो किसके इक्वल है, −9 जो है वो नैनो के इक्वल होता है। 10^-9 जो है वो इक्वल टू नैनो होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 11.57 नैनोमीटर पर
सेकेंड, और हमें आंसर इसी में ही चाहिए नैनोमीटर पर सेकेंड में। तो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ आ गई, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ इक्वल टू 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट 1.3 सॉल्व हो गया। अब हम लोग 1.4 सॉल्व कर लेते हैं। 1.4 की हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 1.4 की क्या स्टेटमेंट है, री राइट दी फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो हमें नीचे वैल्यू दी हुई है हम लोगों ने इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या तरीका, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ये तरीका कि आपका जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो पॉइंट हमें कहीं पे नज़र आ रहा, कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसी तरह आपने ये देना कि पॉइंट राइट साइड से मूव हो रहा है या लेफ़्ट साइड से, क्योंकि राइट साइड से हो तो पावर पॉजिटिव आती है, लेफ़्ट साइड से हो तो नेगेटिव। यहाँ पे पॉइंट जो है वो राइट साइड से मूव हो रहा है, इसलिए पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव पावर हमारी आएगी। तो हम लोग देखेंगे कि कितनी पावर जो है वो मूव, कितने डिजिट जो है वो पॉइंट मूव होता है। 1.168 × 10⁻¹⁰ कितने पावर मूव हुआ, 1, 2 और 3, 10³ पॉजिटिव क्योंकि राइट साइड से मूव हो रहा है, × 10⁻²। माइनस ट्वेंटी सेवन वैल्यू के अंदर दिए हैं इसलिए एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब क्योंकि बेसिस सेम है, दोनों के बेस 10 है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 − 2 = 27, तो आ जाएगा 1.168 × 10⁻²−24। 3 + −27 ऐड करते तो वो 3 − 27 बनता है, तो वो सॉल्व होकर −24 आ जाता है। यहाँ पे इसी तरह नेक्स्ट पार में पॉइंट यहाँ पे एक्सिस्ट करता है, आना यहाँ पे चाहिए, तो ये बन जाएगा 3.2 × 10⁻¹·1 × 10⁻¹⁵। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 3.2 × 10⁻¹·1 + 5, तो ये बन जाएगा 3.2 × 10⁻¹·6। ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 7.25 × 10⁻¹−5 kg। यहाँ पे हमें पावर भी दी है और पावर में वैल्यू पहले से दी है, और हमने खुद भी अपनी सॉल्व करनी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब कि पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 7.25 × 10⁻²² पॉजिटिव टू, क्योंकि राइट साइड से मूव हो रहा है, 2 डिजिट्स मूव हो रहा है, 1, 2, इसलिए 2 आया है, × 10⁻¹−5 kg। 7.25 × 10⁻¹², ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब जो ये आता है 7.25 × 10⁻³ − 10⁻³ − 3 kg, अब ये हमारी सॉल्व हो गई पावर, लेकिन ये जो है किलोग्राम जो है वो ग्राम का प्रीफिक्स है, लेकिन हमने प्रीफिक्स की फॉर्म में तो नहीं लिखना, हम लोगों ने तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें किलो को भी कन्वर्ट करना होगा ग्राम में। तो हम लोग लिखते हैं कि 1 किलो = 1 kg = 10³ g। तो किलो की जगह पर हम 10 उसकी वैल्यू लिख देंगे, 10³, तो ये आ जाएगा 7.25 × 10⁻³ − 3 × 10⁻³ g। ठीक है, ये दोनों सेम और पावर्स ऑपोजिट है तो कट हो सकती है। इसके अलावा दूसरा मेथड वही एज इट इज़ है, 7.25 बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, −3 + 3 g, तो ये 0 हो गए, तो ये आ जाएगा 7.25 × 10⁻¹⁰ g। तो 10⁻¹⁰ जो है वो इक्वल टू 1 होता है, 10⁻¹⁰ जो है वो इक्वल टू 1 होता है। तो 7.25 × 1, तो आंसर वही आ जाता है 7.25 g। तो ये हमारा आंसर आ गया 7.25 g। इसे हाईलाइट कर देते क्योंकि ये सामने लिखा तो शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि 0.02 × 10⁻¹−8। तो इसमें आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड से है, और लेफ़्ट साइड से मूव होगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड से मूव होगा तो पावर नेगेटिव में आएगी,
और देखते हैं कितने डिजिट्स मूव होता है। ये आता है 1, 2 पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, यानी कि 2 के बाद, तो आएगा 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर 2 डिजिट्स मूव होगा तो -2 इंटू 10 रेज टू पावर -8। अब आप दे रहे होंगे मैंने 2 के पास पॉइंट के पास जीरो लगा दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद आकर जीरो आ जाए तो इसका मतलब 2 ही होता है, 2.0 मीन्स 2। तो अब बेसिस सेम है 10 है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2 -8, तो ये पावर्स आपस में ऐड होकर बन जाएगी 10 की पावर -10। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, सारे पार्ट्स हमारे सॉल्व हो गए। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।